मैं पूर्व सैनिक सियाराम राम शर्मा मेघाई नगर से मेरा सेवा का स्टार्टिंग में भोजन देने का था शाम को तीन चार चालियों में भोजन देने का था लेकिन गवर्नमेंट के गाइडलाइन से वो खाना बंद कर दिया मैं उसके बाद किट चालू किया राशन किट जितनी झोपड़ियों में जाके पता करने के बाद जो ज़रूरतमंद थे उनको किट दिया अप्रॉक्सीमेटली 200 किट मैं दे चुका हूँ उसके बाद मैंने देखा कि किट से ज़्यादा किट खाने के लिए लोग बहुत डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं लोगों को जरूरत भी नहीं है उसके बाद मैंने कम से कम पाँच हज़ार मास बांटे सिविल हॉस्पिटल अहमदाबाद में दिया झोपड़ी पट्टियों में दिया जालियों में बांटा डॉक्टर पी, पी किट भी अपने को जो है ना जब ज़रूरत पड़ा देखा कि डॉक्टर्स को पी, पी किट की ज़रूरत है तो अपने पी, -पी किट भी बाँटा उस तरीके से आज भी जितने भी राशन किट की ज़रूरत होती है घर में चेक करने के बाद मैं राशन किट भी आज बांट रहा हूँ जब तक देश इसमें लड़ता रहेगा कि मैं एक फौजी हूँ और देश सेवा अपना कर्तव्य है जब तक ये कोरोना चलता है जब तक मार्केट का सुधार नहीं आता समाज सेवा अपने करते रहेंगे जितना भी अनाज किट अपने डिस्ट्रीब्यूट कंटिन्यूस चालू है दो बांट दिया है और डेली का दस पंद्रह किट मैं बांटता हूँ खास करके जो बुड्ढा बुढ्ढी हैं असाह हैं उनको घर में चेक करके उनको हाथ में जाके देता हूँ घर घर लाइन नहीं लगाता घर में जा देता हूँ मैं समाज को यही संदेश देना चाहता हूँ कि लोगों को लोगों को लगता है कि ये लोग फोटो कराने के लिए करते हैं लेकिन अपना ऐसा सोचना है मेरा व्यक्तिगत ऐसा विचार है कि जो लोग कर रहे हैं समाज में काम वो आगे बढ़ के आगे काम करें सेकेंडली सरकार से मेरी व्यक्तिगत प्रथ प्रत्र, प्रार्थना है कि जो म्यूनसिपाल्टी को टोटली बांटने का डिस्ट्रीब्यूशन का दिया है ये समाज सेवक संस्था को भी बांटने का खाने बांटने का दें जिससे ताज़ा खाना लोगों को मिल सके कि म्यूनसिपाल्टी के पास इतना लोड है इतनी पब्लिक है कि पैकिंग करते करते टाइम निकल जाता है एक दिन का खाना दूसरे दिन मिलता है जिसके खाने की कंडीशन बहुत ख़राब हो जाती है गर्मी का टाइम है पैकेट नहीं हो सकते सभी जो करने लायक हैं जो करने योग्य हैं वो समाज में सेवा करें कि इस महामारी में इस आपदा की घड़ी में गरीब आदमी का मजदूर का किसान का भला हो सके और अपना भी समाज में जो है ना थोड़ा कल्याण हो सके